हाँ तो गाइस, तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया दैट मीन तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है एंड तुम उस पर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो। तो देखो, अब तुम यहाँ पे जो भी कैटेगरी पर वीडियो बनाते हो, तुम फैक्ट पर वीडियो बनाते हो, मोटिवेशन पर वीडियो बनाते हो, तुम्हारा किसी भी टाइप का कोई भी चैनल है, अगर तुम यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो तो तुम्हारे यहाँ पे थंबनेल लगाने का ऑप्शन जो यहाँ पे आता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे थंबनेल लगाने का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, या तुम्हारे यूट्यूब शॉर्ट्स वाला वीडियो जो उसमें तुम्हारा थंबनेल नहीं लग पा रहा है, तो वो वाले प्रॉब्लम ये वाले वीडियो के थ्रू यहाँ पे जो कंप्लीटली सॉल्व होने वाला है। सो प्रॉब्लम इज दैट कि हाउ टू ऐड थंबनेल इन यूट्यूब शॉर्ट्स, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियोज में किस टाइप से थंबनेल लगाए। तो देखो, तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है एंड अगर तुम इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक यहाँ पे वॉच कर लेते हो तो तुम्हें कोई भी दूसरा वीडियो देखने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद तुम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के सारे वीडियोज में काफी इजी तरीके से अपने फोन से सारे वीडियोज में थंबनेल लगा सकते हो। एंड हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, अगर तुमने अपने यूट्यूब स्टूडियो को यहाँ पे अपडेट नहीं किया है तो तुमको यहाँ पे इजीली थंबनेल लगाने का ऑप्शन दिख जाएगा एंड तुम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियोज में भी यहाँ पे थंबनेल लगा पाओगे इजीली YT स्टूडियो का यूज करके। बट अगर तुमने अपने यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो को यहाँ पे अपडेट किया है देन उसके बाद जो इस टाइप का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे थंबनेल लगाने का जो ऑप्शन होता है वही नहीं यहाँ पे आ पा रहा है, मतलब अपडेट करने की वजह से ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब देखो गाइस, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के यहाँ पे मैं तुमको तीन तरीके बताऊंगा एंड तुमको जो वाला भी तरीका इजी लगे, हैंडी लगे, तुम वो वाला तरीका को फॉलो कर सकते हो एंड अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो में यहाँ पे थंबनेल लगा सकते हो। तो चलो, मैं तुम लोगों को सबसे पहला वाला तरीका यहाँ पे फटाफट से बताता हूँ। तो देखो गाइस, मैंने अपने यहाँ पे यूट्यूब ऐप को ओपन कर लिया है एंड ये वाला जो चैनल है इसको मैं यूज नहीं करता, ठीक है, बट मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए जो है ये वाला चैनल का भी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुमको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, क्रिएट शॉर्ट पर क्लिक करना है एंड तुम्हारा जो भी वीडियो रहेगा, ठीक है, उसको तुमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। लाइक अगर मेरा ये वाला वीडियो तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा एंड कुछ स्टेप्स यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, एंड टाइटल वगैरह जो भी देना होगा वो तुम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, अगर तुमको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे थंबनेल ऐड करने में तो तुम डायरेक्टली मुझे यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो मैं तुमको यहाँ पे जरूर से जरूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। मेरा ये वाला यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तुम यहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद तुमको यहाँ पे जो लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी अभी टाइटल देता हूँ, ठीक है, कुछ स्टेप से एंड उसके बाद तुमको यहाँ पे जो अपलोड पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करोगे देन उसके बाद तुमको यहाँ पे जो है YT स्टूडियो में उसी टाइम पे जाना होगा, ठीक है, बिकॉज उसी टाइम पे जाओगे तभी तुम्हारे यहाँ पे थंबनेल लग पाएगा, ठीक है। लाइक ये देखो, ये वाला वीडियो यहाँ पे आ चुका है, तुमको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो एडिट के आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे यहाँ पे जो थंबनेल वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तुमको यहाँ पर क्लिक करके थंबनेल लगा लेना है कस्टम थंबनेल पर क्लिक करके। लाइक देखो, ये वाला थंबनेल है, मैं इसको ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे डन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे कुछ स्टेप्स यहाँ पे जो थंबनेल लग जाएगा, ठीक है। लाइक ये देखो, यहाँ पे 96% हो चुका, ठीक है, 98% हो चुका, 99% हो चुका, ठीक है, और यहाँ पे 100% भी हो चुका, ठीक है। मतलब यहाँ पे वीडियो का जो यहाँ पे 100% अपलोड होने से पहले तुमको आके जो यहाँ पे यूट्यूब के ऐप पे थंबनेल लगा लेना, ठीक है, उससे तुम्हारे यहाँ पे इजीली थंबनेल लग जाएगा। देखो, कुछ स्टेप से हमारे यहाँ पे थंबनेल लग चुका है, ठीक है। तो देखो, ये वाला तरीका तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि किस टाइप से तुमको यहाँ पे जो थंबनेल लगाना है, मतलब जब तुम्हारा वीडियो अपलोड हो रहा था, वीडियो के अपलोड होने से पहले ही जो तुमको यहाँ पे थंबनेल लगा लेना है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, लाइक अगर तुमने यहाँ पे कोई पहले यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड किया था, ठीक है, एंड वो पहले वाले यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम्हारे यहाँ पे जो थंबनेल नहीं लग पाया था, तो नंबर वन वाला मेथड का यूज करके उसमें जो यहाँ पे थंबनेल नहीं लग पाएगा, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो को दोबारा से अपलोड करना फिर तो पॉसिबल है नहीं। तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो फटाफट से दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हारे यूट्यूब शॉर्ट्स के तुमने जो यहाँ पे जितने भी वीडियो डाल रखे हैं पहले से एंड उस पर तुम्हारा जो यहाँ पे थंबनेल नहीं लग पाया है, तो ये वाला तरीका का यूज करके तुम उस पर भी जो यहाँ पे इजीली थंबनेल लगा सकते हो। तो देखो, दूसरा तरीका के लिए सबसे पहले तुमको यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है क्रोम ऐप पर, ठीक है। देन उसके बाद तुमको यहाँ पे सर्च बार पर टाइप करना है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब टाइप करने के बाद कुछ हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा होगा यूट्यूब का, तुमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। क्लिक करने से तुम्हारा यहाँ पे जो यूट्यूब का जो ऑफिशियल ऐप होगा उस पर तुम्हारा ये वाला जो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूट्यूब को यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा एंड जो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पे तुमको क्लिक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारा जो यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाएगा दूसरा टैब पर, तो तुमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है। तो तुम देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो चुका, ठीक है। देन उसके बाद तुमको चैनल का जो लोगो दिख रहा होगा यहाँ पर तुमको क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद योर चैनल पर क्लिक करना है एंड तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे जो हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। तो देखो, योर चैनल पर क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे जो कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर तुमको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे कुछ स्टेप का यहाँ पे जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो का जो ऑफिशियल पेज होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद तुमको यहाँ पे जो वीडियो वाला आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंटेंट बोल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तुमको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर तुम जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने जो यहाँ पे सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है, जो भी तुम्हारे चैनल पर जो वीडियो होगा, चाहे वो लॉन्ग वीडियो है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, वो सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। लाइक ये वाला हमारे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो है, इसमें हमें थंबनेल लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए तुमको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टाइटल का तुमको आइकन दिख रहा होगा पेंसिल के आइकन की तरह, ये पेंसिल वाला आइकन पर तुमको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे तुम वो पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर दोगे देन उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड थंबनेल, ठीक है। तो देखो, अपलोड थंबनेल पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने यहाँ पे जो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ से तुम कोई भी यहाँ पे जो थंबनेल ले सकते हो। लाइक मैं तुमको लेके दिखाता हूँ। लाइक देखो, मैंने ये वाला थंबनेल को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स वाला जो वीडियो है उसमें भी हमारे यहाँ पे थंबनेल सक्सेसफुली लग चुका है। देन उसके बाद तुमको यहाँ पे जो सेव के आइकन पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे जो सेव भी हो जाएगा ये वाला थंबनेल।
तो तुम देख सकते हो कि हमारे ये वाला वीडियो में यहाँ पे जो थंबनेल लग चुका है, ठीक है। तो तुम ये वाला तरीका का यूज करके जो कोई भी वीडियो में थंबनेल लगा सकते हो, ठीक है। लाइक ये देखो, ये सारा जो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो है इसमें थंबनेल लगा हुआ नहीं है, बट मैं चाहूँ तो ये सारे वीडियो में अभी भी यहाँ पे जो थंबनेल लगा सकता हूँ, ठीक है, सेम प्रोसेस को अप्लाई करके, ठीक है। तो तुम कुछ इस टाइप से जो थंबनेल लगा सकते हो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियोज में। ये देखो, ये सारा वीडियो में यहाँ पे थंबनेल नहीं है, बट मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे जो थंबनेल लगा सकता हूँ। तो गाइस, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दूसरा तरीका भी बता दिया, जिसमें हमारा यहाँ पे जो क्रोम के थ्रू थंबनेल लगाना होता है, एंड ये वाला तरीका का यूज करके जो तुम यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स अभी अपलोड कर रहे हो उसमें भी थंबनेल लगा सकते हो। एंड जो तुमने यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट अपलोड कर रखा है पहले एंड उसमें तुम्हारा थंबनेल नहीं लग पाया था, तो उसमें भी तुम्हारा यहाँ पे जो थंबनेल लग जाएगा ये क्रोम वाला तरीका को यूज करके, ठीक है। अब जो लास्ट तरीका है यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स में थंबनेल लगाने का, वो है अपने वीडियो को यहाँ पे प्रीमियर करके, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक जो डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं वो वाला वीडियो का यहाँ पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो तुम वहाँ से उसको देख लेना। तो कुछ इस टाइप से मैंने तुम लोगों को यहाँ पे तीनों तरीका बता दिया जिसके थ्रू तुम्हारा यहाँ पे थंबनेल लगता है यूट्यूब शॉर्ट्स में। सबसे पहला मैंने तुम लोगों को यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू ही बताया, एंड दूसरा वाला मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्रोम के थ्रू बताया, एंड जो तीसरा बड़ा तरीका है मैंने उसके ऊपर एक यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, एंड उसका लिंक मैंने जो डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि यहाँ पे प्रीमियर करके थंबनेल लगाने वाला ऑप्शन। सो तुम वो वाला तरीका को भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पर 2121 ये वाला कोड को यहाँ पे जो कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुमने मेरे वीडियो को बिल्कुल जो यहाँ पे एंड तक वॉच किया है। बाकी अगर तुम्हारा चैनल यहाँ पे मोनेटाइज है एंड तुम यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो पर क्लिक करो, ये वाला वीडियो को देखकर तुम यहाँ पे जो अर्निंग करना सीख सकते हो। ये वाला वीडियो को देखकर तुमको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें किस टाइप से यहाँ पे जो तुम्हारा चैनल अगर जो मोनेटाइज है तो तुम्हें यहाँ पे जो अर्निंग हो सकता है। एंड तुम्हें भी अपनी एडिटिंग स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करना है तो ये वाले वीडियो पर क्लिक करो, इसमें मैंने जो यहाँ पे काफी तगड़ा वाला एडिटिंग बताया है। एंड अगर तुम्हें मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो तुम यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ यार मैं तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक तुम जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।